सांप और चूहे के बीच कभी दोस्ती नहीं हो सकती, इसे तो सभी प्रचलित है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ चूहे सांप की परिक्रमा करते दिखते हैं। जाने क्या है चूहे के नाप की परिक्रमा करते हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले में राजा गंधर्व सिंह के एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि जब ये मंदिर बनवा तब यहाँ चमत्कार हो रहे हैं। इस गंधर्व मंदिर में रोजाना एक पीले रंग का नाग मंदिर के बीचों बीच विराजमान होता है। जैसे कि ये नाग मंदिर में आते हैं उसी समय दर्जनों चूहे नाग की परिक्रमा करते हैं। इस स्थान को लोग चूहा पाली भी कहते हैं, जो हजारों साल पुराना है। गाँव वालों के अनुसार आज तक नाग और चूहों के बीच किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब भी मंदिर का दरवाजा खुलता है तो परिक्रमा वाले स्थान पर सैकड़ों चूहे का मल और नाग के विराजमान वाली जगह पर नाग का मल देखने को मिलता है। मंदिर के लोगों का कहना है कि परिक्रमा वाले स्थान पर कई बार साफ सफाई की जाती है, लेकिन नाग और चूहे का मल कहाँ से आता है ये नहीं जानते। PM News 24 की रिपोर्ट।